असम में कोरोना से लड़ने के लिए आरोग्य निधि फंड की घोषणा के बाद से राज्य भर से लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार आरोग्य निधि फंड में दान कर रहा है। इसी कड़ी में अखिल असम कुशवाहा संघ ने अब तक कुल मिलाकर 32,000 रुपये, जिसमें तिनसुकिया हिजुगिरी समिति ने मंत्री संजय किसान के जरिए 25,000 रुपये, साइकोवा घाट ढोला आंचलिक ने 5,000 रुपये आरोग्य निधि फंड में दान दिया है। वहीं पश्चिम कार्बलंग जिला समिति ने 2,000 रुपये CEM रिलीफ फंड डीपू में दान दिया है। अखिल असम कुशवाहा संघ के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने लोगों से अपील भी किया है, उनकी अपील को सुनिए। नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह, मैं सभी अपने असमवासी एवं पूरे भारतवासियों से यह अनुरोध करता हूं, इस विकट परिस्थिति में जो हमारे यहां महामारी चल रहा है कोरोना, इस परिस्थिति में जो सरकार के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, हम सभी से आग्रह करूंगा इस नियमों को पालन करते हुए सरकार के हर निर्देशा सरकार के द्वारा दिया गया हर निर्देश को हम सब पालन करें। और अभी फ़िलहाल सरकार के द्वारा कुछ हमें छूट मिली है, फिर भी छूट मिलने का मतलब ये नहीं कि हम अपने सामाजिक दूरियों को धज्जियाँ उड़ाएँ। सामाजिक दूरी को बरकरार रखते हुए सरकार जो COVID-19 से लड़ने के लिए हम सबको जो निर्देश जारी कर रही है उसको हम पालन करें। इस महामारी में आज हम सरकार का अगर साथ नहीं देते हैं तो कल हमें बहुत बुरा परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। अतः हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, असम सरकार, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, साथ साथ हमारे असम के स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने इस महामारी से लड़ने के लिए दिन रात एक कदम पर खड़े हैं। हम सबको उनका साथ देना चाहिए ताकि हमारा सुनहरा भविष्य फिर वापस लौट करके आए। और मैं उन सभी कोरोना योद्धाओं को जो दिन रात एक करके इस महामारी में हमारे लोगों को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, मैं उन लोगों को अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यह अब मैं गजेंद्र सिंह असमवासियों से यह भी आग्रह करता हूं कि जो भी संस्थाएं हैं सरकार को अपने पुनः परिस्थिति को लाने हेतु, पुनः आर्थिक स्थिति को मजबूत करने हेतु हम सभी लोग बढ़ करके आगे आएँ, सरकार का सहयोग करें ताकि सरकार हमारे पूरे भारतवासियों को सहयोग कर सके। बहुत से लोग पीड़ित हैं, सभी को अभिनंदन ज्ञापन करते हुए।